हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल K2H किचन एंड क्राफ्ट पर, जहां आज मैं शेयर करने जा रही हूं आपके साथ बिस्किट केक की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। साथ ही मैं आपको आज बताऊंगी कि आप घर में ही केक को बहुत ही आसान तरीके से कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, वो भी बिना क्रीम के और बहुत ही सिंपल चीज़ों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुकर को प्रीहीट करने के लिए रखना है। तो मैंने यहाँ पुराना सा कुकर ले लिया है। अब हम इसमें नमक डालकर इसे अच्छे से फैला देंगे और इसमें एक स्टैंड रख देंगे। इस पर हम केक बेक करने के लिए रखेंगे। अब हम इसे ढक देंगे और इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख देंगे। मैं यहाँ पे नॉर्मल ढक्कन से इसे ढक रही हूँ। अगर आप इस पर कुकर का ढक्कन लगाएं तो उसके रबड़ और सीटी को निकाल के लगाएं। तो कुकर को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम चलते हैं सेकेंड प्रोसेस पे। अब हमें एक बर्तन लेना है जिसमें हम केक बेक करेंगे। तो यहाँ मैंने स्टील का नॉर्मल बर्तन लिया है, जिसे हम घर में रेगुलर यूज़ करते हैं। अब हम इसमें अच्छे से ऑयल लगा देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सा पेपर लिया है, जिसे मैंने कटोरे के शेप में काट लिया है। इसे भी हम इसमें डाल देंगे। इस पर भी हम अच्छे से ऑयल लगा देंगे। यहाँ मैं नॉर्मल पेपर का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सबके घर में अवेलेबल रहता है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर डाल दें। केक का बैटर बनाने से पहले आपको दो प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है। पहला तो आप कुकर को प्रीहीट होने रख दें और दूसरा, जिसमें आप केक बनाने वाले हैं उस बर्तन में अच्छे से ऑयल लगा के रख दें। तो चलिए अब हम चलते हैं केक बनाने के प्रोसेस पे। तो केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ब्रिटानिया का माड़ी बिस्किट लिया है। 20 से 25 बिस्किट को मैंने तोड़ लिया है और 10 रुपए वाला दो ओरियो बिस्किट। तो यहाँ हम ओरियो बिस्किट को रैपर से निकाल देंगे और इसके बीच के क्रीम को हम निकाल कर अलग कर लेंगे। आप चाहें तो बिस्किट को क्रीम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बिस्किट से क्रीम को अलग कर रही हूँ क्योंकि मुझे क्रीम का बाद में यूज़ करना है। तो बिस्किट के क्रीम को मैंने अच्छे से निकाल दिया है और बिस्किट को तोड़ लिया है। अगर आप इसे तोड़ के नहीं डालेंगे तो अच्छे से ग्राइंड नहीं होंगे, तो आप बिस्किट को तोड़ के डालें। तो अब हम लेंगे मिक्सी का जार और इसमें सारे बिस्किट्स डाल देंगे। तो यहाँ मैं इसमें चीनी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बिस्किट ऑलरेडी मीठे हैं। अगर आप मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 से 2 चम्मच आप इसमें चीनी डाल दें। तो अब हम इसे पीस लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे पीस लिया है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कैसा है। ये बहुत बारीक नहीं है, हल्का सा दरदरा सा है। तो हम इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हमें इसका बैटर बनाना है। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम दूध लिया है। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका बैटर बना लेंगे। आपको दूध एक बार में पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर आप इसे मिक्स करते जाएं ताकि इसमें लम्स ना रहे। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम दूध लिया था, जिसमें से 2 से 3 चम्मच दूध बचा है क्योंकि हमें बैटर का टेक्सचर बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। अब इससे ज़्यादा पतला हमें नहीं करना है। अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। तो ध्यान रहे, आपको यहाँ पे कोई भी बिना फ्लेवर वाला ऑयल लेना है। तो आप यहाँ पे कोई भी रिफाइंड ऑयल 2 चम्मच डाल दें, इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है। ऑयल डालने से केक सॉफ्ट बनता है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बिना फ्लेवर वाला इनो। तो हम इसमें 1 पैकेट इनो डाल देंगे और आधा चम्मच दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको यहाँ ध्यान रखना है, आप इसे हल्के हाथों से ही मिक्स करें और इनो डालने के बाद आपको इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। तो आप इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लें। तो बैटर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे इस बर्तन में, जिसमें हम केक बेक करने वाले हैं। तो बेकिंग सोडा या इनो डालने के बाद आपको बैटर को बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ना है, आपको तुरंत ही इसे बेक करने के लिए रखना है, तभी केक हमारा अच्छे से फूलेगा। तो यहाँ मैंने बैटर को इसमें डाल दिया है। तो इसे हम हल्का सा इस तरह से डैप कर देंगे। तो कुकर अच्छे से गर्म हो चुका है, तो आप बहुत ही सावधानी से कुकर के अंदर इसे डाल दें क्योंकि कुकर बहुत ही गर्म है। तो 30 से 35 मिनट के लिए हम इसे ढककर छोड़ देंगे और इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो ध्यान रहे, हमें इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है। तो 35 मिनट हो चुके हैं, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं।
यहाँ पर आप इसमें टूथपिक या नाइफ डालकर इसे चेक कर लें। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सूखा निकला है, इसमें बिल्कुल भी चिपका नहीं है, यानी केक अच्छे से बेक हो चुका है। यहाँ केक 35 मिनट में अच्छे से बेक हो चुका है। अगर आपका केक 35 मिनट में बेक नहीं हुआ तो आप इसे 5 मिनट के लिए और ढककर छोड़ दें। तो अब हम केक को ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। तो केक थोड़ा ठंडा हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो अब हम इसे थोड़ा सा साइड से नाइफ से इस तरह से स्क्रच कर देंगे ताकि केक आराम से बाहर निकल जाए। अब हम एक प्लेट लेंगे और इस तरह से इसे उल्टा करके पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं केक कितना इजीली बाहर आ गया है। अब हम इस पेपर को भी निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं पेपर भी बहुत ही आराम से निकल गया है। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ केक हमारा कितना सॉफ्ट बना है। तो देखिए केक हमारा कितना सॉफ्ट, स्पंजी और कितना जालीदार बना है, और केक का कलर बिल्कुल चॉकलेट केक की तरह परफेक्ट है। ये अभी भी थोड़ा गर्म है, जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तब तक हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखते हैं। जब तक केक ठंडा हो रहा है तो चलिए देख लेते हैं केक को डेकोरेट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बिस्किट के क्रीम को निकाल के रखा था, इसका हम फ्लावर बनाएंगे। तो यहाँ मैंने दो फ्लावर बना के रखे हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मैंने इसे कैसे बनाया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे बस एक के ऊपर एक इस तरह से रखते जाएं और इसे इस तरह से रोल करते जाएं। इसे रोल करने के बाद हम बीच से नाइफ से इसे काट देंगे और इसे हल्के हाथों से इस तरह से दबा देंगे ताकि इसका शेप फ्लावर की तरह हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसी तरह से सारे फ्लावर बना के तैयार कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 5 से 6 ओरियो बिस्किट, चॉकलेट बॉल्स और थोड़े से जैम्स जो मेरे घर में रखे हुए थे, वो भी मैंने ले लिए हैं। तो चलिए केक भी अब ठंडा हो चुका है, तो इसे डेकोरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम केक के ऊपर थोड़ा सा मेल्ट किया हुआ चॉकलेट डाल देंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा डेरी मिल्क चॉकलेट को इस तरह से क्रश कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी चॉकलेट को क्रश करके रखा है, तो हम केक के ऊपर इस तरह से इसे डाल देंगे। तो आप इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से इसे डाल दें। उसके बाद हमने जो फ्लावर बना के रखे हैं वो भी हम इसके ऊपर लगा देंगे। फ्लावर को आप अपने हिसाब से, आपको जैसे अच्छे लगे आप वैसे लगाएं। तो यहाँ मैं बीच में थोड़े से फ्लावर के साइड साइड चॉकलेट बॉल्स डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने घर की फ्रेश मलाई ली है जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो यहाँ पे मैंने ओरियो बिस्किट को हाफ हाफ तोड़ लिया है। तो यहाँ पे आप बिस्किट के साइड के पार्ट को इस तरह से मलाई में डिप कर लें और केक के साइड साइड में इस तरह से लगा दें। उसके बाद मैं केक के ऊपर थोड़े से जैम्स डाल देती हूँ, इससे केक देखने में और भी अच्छे लगेंगे। तो सारे जेम्स को मैंने लगा दिया है। तो देखा आपने कितने आसानी से ये बिस्किट केक बनकर तैयार है। जिसे केक बनाना और केक डेकोरेट करना बिल्कुल भी नहीं आता है, वो भी इस केक को बहुत ही आसानी से और कम मेहनत के साथ आराम से बना सकते हैं। इस केक को बनाने में मुझे बस 1 घंटे का समय लगा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी ये बिस्किट चॉकलेट केक जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी और आपके बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।